है बेटे? संध्या। संध्या कहाँ से आई है? बुराड़ी से, दिल्ली से। क्या होता है तुझे? मेरे लेफ्ट किडनी में प्रॉब्लम होती है, दर्द होता है। कौन से हॉस्पिटल में गई थी तू? कलावती। कलावती में दर्द भी होता है? कलावती कहाँ पड़ता है? लेडी हार्डिंग के साथ। डॉक्टर ने क्या बताया इसको चेकअप करके? पकड़ो भाई। डॉक्टर ने यही बताया कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। किस चीज का? किडनी का। क्यों? क्योंकि काम नहीं कर रही, 0%। मुझे ये बता, इसके बाद दर्द होता है कि नहीं? हाँ हाँ। वो जब गोली रहती है दर्द क्या घंटे के लिए खत्म होता है? हो जाता है रात रात तक के लिए। अच्छा एक सेकंड रुक जा, अभी मेरे को बात करने दे लड़की से, मैं पूछ लूंगा गहराई से। मेरी प्रॉब्लम है कि डॉक्टर की है, ठीक है? तेरे अभी पूछने से काम नहीं चलेगा। थोड़ी आगे आ बेटा। संध्या संध्या, जब किडनी में दर्द होता है तो मुझे ये बता, वो लगातार रहता है जब दवाई ली तब बंद फिर चालू? दवाई लेते तो थोड़ी देर तक के लिए रहता फिर बंद होता है। नहीं, जैसे दवाई लेते हैं फिर बंद हो जाता है थोड़ी देर में, फिर उसके बाद वो कितनी देर बाद फिर वापस आता है? एक दो महीने बाद आता है। तो फिर जब एक दो महीने बाद आता है, तेरी रोटी ठीक से पच रही है? श्वास ले रही है तू? श्वास में कोई दिक्कत हो रही है? पूरे शरीर में कहीं भी कोई और पीड़ा रहती है, और दर्द रहता है कहीं? है कहाँ पे अभी? है तो ये चला कहाँ जाता है बताना जरा मुझे। एक बात याद रख, जब पेट में नहीं होगा तो वो कमर में होगा उस टाइम, और जब कमर में नहीं होगा तो सर में होगा उस टाइम, और जब सर में नहीं होगा तो पैरों में होगा उस टाइम, और जब पैरों में नहीं होगा तो कहाँ होगा? पेट में होगा। तब बताओ, तब आपको कहीं ना कहीं रोज दर्द रहता है? वो मुझे कहीं ना कहीं रोज दर्द कहाँ होता है बताना। जैसे मान लिया आज पेट में नहीं है, डॉक्टर ने दवाई दे दी, फिर तो पेट में नहीं हो रहा ना एक दो महीने, फिर कहाँ हो रहा है? खेलती है कूदती है तो तेरे पैर में सूजन नहीं है? उछलती है तू? तू जब भागती है तो सांस चढ़ते हैं बहुत जल्दी? ऊपर नीचे स्टेप करती है तब सांस चढ़ते हैं? किडनी की प्रॉब्लम कौन बता रहा है? कुछ भी नहीं होता, वही तो हम कह रहे हैं। तो फिर जरूरी है एक ही जगह? 6 महीने की बात है बस, और वो कह रहा है 5-6 साल से है उसको ये प्रॉब्लम। हमने अल्ट्रासाउंड वगैरह और क्या कहते हैं मशीन, मेरे को एक बात बता, डॉक्टर लिख के दे देगा मशीनें सारी ठीक है? वही मशीन एक बार पथरी बता देती है दूसरी बार मना कर देती है, वही मशीन एक बार टीवी बता देती है दूसरी बार मना कर देती है, उसी मशीन ने उस बहन जी के गांठे बता दी दूसरी बार मना कर दी है? टेस्ट करवाया दोनों में। बोलो ना मेरे को, क्या टेस्ट कराया? दोनों बार किडनी के टेस्ट में यही बताया। लक्षण तो होगा ना रोग का? बिना लक्षण के कोई रोग आज तक पैदा हुआ है? वही हमने डॉक्टर को कहा था। आंख बंद करो, अब बंद करे रहना, जब मैं पूछूं कुछ तब बताना मुझे। देखो बेटे अब आंखें खोलो। संध्या मुझे बताओ, पूरे शरीर में कहीं भी झनझनाहट हुई? झनझन चीटी जैसा सरसराहट हुई? पैर में हुई ना? अभी वो मुंह बैठ गया। इसको जब दर्द होता है, जिस दिन दर्द होता है, बिना दवाई दिए मेरे पास लेके आना, मैं तुझे आज बता रहा हूँ। आगे ना ये तत्व ऐसे ही घुसते हैं निगेटिविटी के, तुझे डरने की जरूरत नहीं है। अभी इसके शरीर में एक भी लक्षण ऐसा प्रकट नहीं हुआ जिससे ये बताया जा सके कि कोई इसकी पूरी किडनी खराब है, आया ना समझ में? और डॉक्टर कह रहा है पिछले 5 साल से खराब है, तब भी 5 साल में एक भी लक्षण नहीं, और तू बच्ची का किडनी का ऑपरेशन करा रही है बिना बात के? ऐसा कौन सा होशियार डॉक्टर है? मैं तो कुछ भी नहीं करवा रही, मैं तो इसको आयुर्वेदिक दवाइयां भी चलाई है, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा। देखो बिना रोग के अगर दवाई खिलाओगे ना तो चाहे वो कोई सी है, वो कोई ना कोई नुकसान तो करेगी ना। आगे ना आयुर्वेद की दवाई में भी मान लिया गुड़ होता है, ज्यादातर दवाइयां गुड़ से बनती है, गुड़ ज्यादा खा लोगे आप दस्त नहीं लगेंगे, पेट नहीं चल जाएगा, और ऐसे में गर्मी में दस्त लग जाए बच्चे को, फिर मैं ये कह रहा हूँ दुनिया में मंत्र औषधि के अलावा कोई दवाई ऐसी नहीं बनी जिसका नुकसान ना हो। एक मंत्र औषधि ऐसी होती है जिसका कोई नुकसान है ही नहीं धरा पर, एक भी किसी भी तरह का। और अगर आपको निगेटिविटी है तो मंत्र औषधि ही होगी।
किडनी बदलवाने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है, डॉक्टर लिख के दे देगा 100% सत्य है, और अगर दूसरे हॉस्पिटल में बता दिया कि इसकी किडनी ठीक है, फिर मरीज ढूंढते फिर रहे हैं डॉक्टर, तुम्हें नहीं पता हो तो, लाखों रुपया कमाने के लिए उन्होंने डिग्रियां कई कई करोड़ रुपए में ली है, तो जो डिग्री कई करोड़ रुपए में लेके आया ना घर पे, वो कई हजार करोड़ रुपए कमाने की सोचता है। ऐसे ही 11-11, 20-20 मंजिले हॉस्पिटल नहीं बन गए मनु भैया के, तो टीन के अलावा कुछ ना पड़ा 20 साल में, बोलना। और इसकी भी ये पक्की नहीं हुई है जिसमें तू खड़ी है, रोड़ियां चुभ रही है तेरे, 20 साल हो गए मेरे को काम करते, इतना किसी आज तक हॉस्पिटल में आदमी ठीक नहीं हुआ जितना शनि धाम में ठीक हुआ है, और रोगों सहित पूरे दिन में 10 तो माइग्रेन के ऐसे पेशेंट आ जाते हैं जिनके खत्म हो गए सदा के लिए। हाँ जी बेटे, कहीं भी दर्द है चल भाग ना, ठीक है, काहे चिंता कर रही है, अपनी माँ को बोल दे चिंता छोड़ दे, ठीक है, आगे समझ में, मेरा नंबर ले जाए यहाँ से, ऑनलाइन मैसेज करना सुनील भैया को कि अगर अभी मेरी बेटी को दर्द है अभी देख सकते हैं तो देखो, मैं देखूँगा आपकी बेटी को लाइव में ही देख लूँगा चला के, उसी टाइम पता चल जाएगा इसको जो दर्द होता है, घर में कोई प्रेत हो सकता है, घर में कोई निगेटिविटी हो सकती है जो बच्ची को एक समय पे आके डंक मारती हो। तुझे दर्द रहते हैं शरीर में? मुझे प्रॉब्लम थी, मुझे बच्चा आने में कंसीव नहीं हो पा रहा था, दर्द रहते हैं शरीर में? मैंने एक बात पूछी, आप दूसरी बात मत बताओ, नहीं रहते तो आप ठीक हैं इसका मतलब, और बीच बीच में अगर आपको झटका लगता है ऐसे ही दर्द होते हैं तो आपको भी वही प्रॉब्लम सता रही है जो आपकी बच्ची को सता रही है, ठीक है ना? ऐसे सुनील भैया का नंबर ले जाना, जब चाहे दिन में किसी टाइम, सवेरे 10:30 से 11 बजे और रात के 8-9 बजे तक जब तक मैं यहाँ बैठता हूँ तब तक आप दिखा सकते हो अपनी बच्ची को, जब भी दर्द हो पहले मुझे दिखाएं, मैं उसी टाइम बता दूंगा किडनी की प्रॉब्लम है कि नहीं। रात के टाइम ही उठता है, जैसे कल उठ गया था 10-11 बजे के बाद ही। 10-11 बजे तक तो मैं देख लूंगा, आप सुनील भैया का नंबर ले जाना और बता देना भैया ने हमारे केस को स्पेशल देखने के लिए बोला है, आप अभी उनको कॉल मिला दो, वो ऑनलाइन देख लेंगे, बस अगर टाइम होगा 11 बजे तक तो मैं देख लूंगा इसको, ठीक है? हाँ 11 बजे के बाद तू ये सोचे मैं 2 बजे तेरे लिए जागूंगा, मुझे तो कल यहाँ आना है। जय शनिदेव बोलो। ऐसे घबराने कोई जरूरत नहीं है, इन्हें हाँ इनको मैं लेके आई, हमारा यहाँ आना सफल हो गया, सफल होगा। और एक बात, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, जब एक डॉक्टर ऐसा बताता है ना, आप 3 हॉस्पिटल में चेक कराते हैं तो दूसरों के भी रिजल्ट ही बदल जाते हैं। मैंने ऐसा देखा है कि एक बच्चे को अगर आपने डॉक्टर ने कैंसर बताया, एक लड़की को, जब वो मेरे पास 6 महीने रही उसके बाद वो कैंसर टीवी में बदल गया, अगले 6 महीने बाद ना कैंसर था ना टीवी थी, और जब वो मेरे पास आई थी तेरे लड़की जैसी पतली सी थी, 3 आदमी लेके आए थे, 8-10 किलो वजन रह गया था, जैसे बिल्कुल करकला हो जाता है आदमी, देख नहीं सकता था शिकल, हड्डियां ही हड्डियां रह गई थी, हड्डियों का ढांचा रह गई थी, 112 किलो वजन है उस लड़की में, कितना 112 है, ठीक होने के बाद सुख फूलता है, पता है तेरे को? जय श्री देव बोलो।